क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक एक्स किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से गया तथा वापस बी से ए तक वाई किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से लौटा, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। तो हम जानते हैं कि एक व्यक्ति, ये ए है स्थान और ये है हमारा बी स्थान, राइट। ए से बी पर एक्स किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो गया और वापस लौटा वो वाई किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो कह रहा है कि पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी क्या है, दूरी समान है, दूरी हमारी क्या है, समान है, एक सी है। यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक वापस आ गया, तो दूरी हमारी क्या है, समान है, राइट। तो दूरी समान होती है तो औसत चाल का फॉर्मूला हमारा होता है औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई, और यही हमसे पूछ रहा है कि औसत चाल कितनी होगी और यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पूरी यात्रा में उस व्यक्ति की औसत चाल कितनी हो गई, 2xy अपॉन x प्लस वाई।